हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नमन चुग, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स कल्याणी। तो आज है सेकंड डे का, जिसमें हम करेंगे 30 हाई यील्ड क्वेश्चंस, 10 ईच फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपकी नीट 2024 की अच्छी प्रिपरेशन के लिए, स्कोर इंप्रूव करने के लिए, जो कि एक तरह से आपके रिविजन में भी हेल्प करेगा। और हमारा टारगेट है 650+। डे वन को जो भी मतलब क्वेश्चन थे, अगर आपने नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखना। और डे टू आज हम शुरू करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट द सेम टाइम अ कार ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेस द बस, एट व्हाट डिस्टेंस बस ओवरटेक्स द कार। तो देखो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कि यहां से जो बस स्टार्ट हुई और यहां से कार स्टार्ट हुई, ठीक है। ये क्या है कि कब, ये पूछ रहे कब जो है कार ओवरटेक करेगी, एट व्हाट बस ओवरटेक करेगी कार को, ठीक है। तो मतलब कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। तो अब बस की जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से शुरू हो रहा है तो यू जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन 8 और टी स्क्वायर, सेम टाइम पे मीट करेंगे। और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्पीड दे रखी है इनटू टाइम, तो यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा 4 सेकंड पे ये ओवरटेक कर लेगा। अब हम ये देखते हैं कि 4 सेकंड पे वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहां से सेकंड इक्वेशन हाफ ए टी स्क्वायर दोबारा लगाएंगे, एक्सेलरेशन हमें पता है 4 × 4, 64 मीटर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, देखो सेम इसमें यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, 64 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट इज पाई बाय 4 रेडियन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज इतना, देन द फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू द टाइम डिफरेंस। तो यार इसका अगर तुम्हें फॉर्मुला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं जैसे तुम्हें दिखा देता हूं कि फेज डिफरेंस का फॉर्मुला क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π डेल्टा टी बाय टी। अब ये टाइम डिफरेंस पूछ रहा है, हमारे पास इसने सब कुछ दे रखा है, फेज डिफरेंस इसने दे रखा है पाई बाय 4, 2π, ये हमें डेल्टा टी निकालना है, और फ्रीक्वेंसी इसने दे रखी है, तो बस सिंपल सा निकल जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू पाई से पाई तो कट गया, ये हो जाएगा 1/4 × 2 × 50। अब इसने आंसर मिली सेकंड में पूछा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 2.5 मिली सेकंड। आई होप आई एम क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। अब देखो अगर इसमें तुम्हें फॉर्मूला पता है तो फिर बस आसान सा है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, वैल्यू रख देंगे उससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1y1 + m2y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, समीशन ऑफ मास। और z निकालने के लिए m1z1 + m2z2 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ मास, ठीक है। अपना पेन को भी साथ में लेके बैठा और आंसर साथ के साथ मैच करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे, इसमें जो दे रखा है सेम अपना आंसर आ जाएगा। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द वायर AB स्लिड ऑन द फिक्स रेल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ द वायर AB इज रिप्लेस्ड बाय सेमी सर्कुलर वायर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। जैसे जो AB है इसको सेमी सर्कुलर वायर, जो कि ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, उसे रिप्लेस कर दिया, तो कह रहा है कि जो इंड्यूस EMF है वो कितना होगा। देखो जो इंड्यूस EMF होता है वो क्या होता है, d∅/dt, और फाई क्या होता है अपना b·a, माने b cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं d∅/dt b a, b तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और एरिया को क्या लिख सकते हैं लेंथ इनटू उसका जो ब्रेथ है, ठीक है। और जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो जो इफेक्टिव लेंथ देखते हैं हम इसमें l इफेक्टिव, और dx/dt यानी कि b l इफेक्टिव और b। अब देखो यहाँ पे l इफेक्टिव देख रहे हैं, चाहे वो सेमी सर्कुलर रहे या वो स्ट्रेट रहे, तो l इफेक्टिव जो है वो तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए देयर विल बी नो चेंज, रिमेंस द सेम, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। देखो वही रीजन इसने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्ट्रीज आर साउंडिंग देयर साइरन्स एट इतना, मैन गोज फ्रॉम वन फैक्ट्री टू द अदर, स्पीड दे रखी है उसकी, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, नंबर ऑफ बीट्स, डॉपलर इफेक्ट का अगर तुम्हें फॉर्मुला पता है 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मुला तुम फटाफट बताओ, अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, रिवाइज करो। देखो ये होता है फॉर्मुला, ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जो एफ डैश है इस एफ वी प्लस माइनस वी ओ, ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम फॉर्मुले में वैल्यू पुट करेंगे ये ऐसे, और अपने पास आंसर आ जाएगा। बीट्स निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी में कितना गैप है वो निकालेंगे, तो अपने पास 10 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, ए मोटर कार टायर हैज प्रेशर 2 एटमोस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट सडनली बर्स्ट, एडियाबेटिक इंडेक्स दे रखा है 1.4, फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर। देखो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो ये कंफ्यूज करने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस जैसे यहाँ पे दिया, तो सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, ऑप्शन में भी देखो केल्विन में भी दे रखा है, सेल्सियस में भी दे रखा है, लेकिन जब हम फॉर्मुला लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लेकर चलना है। आंसर अगर सेल्सियस वाला आ रहा है तो बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फॉर्मुला में हमेशा हमें केल्विन में लेकर चलना है, ठीक है। तो देखो अब CP/CV हमें दे रखा है, इस हिसाब से PV इज इक्वल टू NRT वाला, जो PV इज इक्वल टू NRT लगाएंगे, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो TP 1 - γ/γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमें टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वैल्यू रख देंगे, गामा की वैल्यू दे रखी है 1.4, सिंपल सा आंसर है। देखो यहाँ पे आंसर 246 केल्विन आया, लेकिन क्या वो 246 केल्विन ऑप्शन में है, नहीं, उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, और सेल्सियस वाला दे रखा है, तो इसलिए हमें हमेशा केल्विन में सॉल्व करना है, और बाद में फिर अगर ऑप्शन सेल्सियस से मैच हो रहा है तो उससे फिर मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल विद वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ वेइंग पैन रीडिंग 600 ग्राम, नाउ अ बॉल ऑफ 40 ग्राम एंड डेंसिटी उसका दे रखा है 0.8 ग्राम पर सीसी, संक इनटू द वाटर विद द पिन एज शोन इन द फिगर कीपिंग इट संक,
द वेइंग पेन विल शो अ रीडिंग। अब इसमें अपथ्रस्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अपथ्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है कि अपथ्रस्ट ऑन द बॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा अपथ्रस्ट वाला, जिसका तुमने पढ़ रखा होगा। सेम यहाँ पे बस ये फॉर्मुला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, सब कुछ दे रखा है और अपना 50 ग्राम आ जाएगा। अभी 50 ग्राम क्या है, उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है। अब उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि वो पिन से अटैच कर रखा है, तो जितना अपथ्रस्ट लग रहा है उतना पिन भी नीचे फोर्स लगाएगा उसको सस्पेंड रखने के लिए, और जो कि वो वेट में ऐड हो जाएगा। तो 600 दे रखा था पहले से, और 600 प्लस 50 टोटल 650 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जब भी ये चैप्टर शुरू करते हैं तो पहली लाइन यही बताते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी और बाकी एनर्जीज होती है। तो ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है। ठीक है, इसने पूछा डज नॉट, तो यार ये सभी तो करते हैं, ऑप्शन नन ऑफ द अब हो जाएगा। इन YDSE दिखा रखा है, ये टू स्लिट्स आर कवर्ड विद थिन शीट्स हैविंग थिकनेस टी एंड 2t, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, अगर तुम्हें समझने में दिक्कत हो, क्योंकि किसी किसी बच्चों को YDSE वाले क्वेश्चंस काफी मुश्किल लगते हैं, तो चलो ये देखते हैं। इसमें सेंट्रल मैक्सिमा क्या, तुम्हें अगर इतना पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो जीरो होता है, तब तुम ये क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दोगे। अब डेल्टा एक्स हमें निकालना है, हम पहले एक्स1 निकालते हैं। एक्स1 क्या हो जाएगा, एपी माइनस टी प्लस 2 न्यू टी, और एक्स2 क्या हो जाएगा, बीपी माइनस 2t माइनस 2 प्लस 2 न्यू टी। अब x2 माइनस x1 जब हम करेंगे तो वो जीरो रखना है हमने, तो उसको हम लिखते हैं bp माइनस 2t प्लस 2 न्यू टी माइनस ap प्लस t माइनस 2 न्यू टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हमारे पास आ जाएगा bp माइनस ap का इज इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे डेट विल बी इक्वल टू टी, और bp माइनस ap तुम्हें पता ही है क्या होता है, yd बाई डी इज इक्वल टू टी, और यहां पे इसने y पूछा है, डेट विल बी इक्वल टू टी डी बाई डी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें पढ़ते ही याद आना चाहिए। कार ऑफ मास मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और मैक्सिमम स्पीड पूछी है। अगर इसका देखो तुमने बार बार इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तब तो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए इसका आंसर, पर फिर भी हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मैक्सिमम जो फोर्स है, इट शुड बी ग्रेटर देन एमवी स्क्वायर बाय आर, जैसा कि यहां पे लिखा है, और फोर्स है वो क्या होगा, न्यूएस इंटू एमजी, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, और यहां से हम वी मैक्स निकाल सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट न्यूएस आरजी। ठीक है, ये हो गए अपने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री पे, इनमें से किसकी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें निकालनी आती होगी आई गेस। इसका जो बेसिक फॉर्मुला होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, जैसे कि हाइड्रोजन माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। ठीक है, इस फॉर्मुले से तुम सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, और तुम मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट्स में कि क्या इसका आंसर होगा। इसमें थोड़ा देख के रहना कि थोड़ा अलग कंसेप्ट भी लग सकता है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक तरह से टास्क दे रहा हूं कि इस कंसेप्ट को पढ़ो और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स फॉर्म एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HCl। एनसीआईटी में बेसिक सी लाइन लिखी हुई है कि सेकेंडरी अमीन इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, अमीन में से तुम सेकेंडरी अमीन देख लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुला ऑफ कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है, उसका फॉर्मुला बताना है। ठीक है, अब देखो, एक इसमें एनायन पार्ट होगा, एक इसमें कैटायनिक पार्ट होगा। कैटायनिक पार्ट क्या है, कोबाल्ट है, और ट्रिस दे रखा है, मतलब तीन बार है, इथाइलिन डायमिन। ठीक है, और सल्फेट है, और कॉपर पे कितना चार्ज है, +3, और सल्फेट पे कितना होता है तुम्हें पता ही है। अब चार्ज बैलेंस करना है, 3 + 3 और -2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो देख लो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। सिंपल, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाते जिसमें सिमेट्रिकल T2G और EG होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, Cr H2O + 6। ठीक है, अब इसमें क्या है, Cr जो है +3 है, तो इसकी जो कॉन्फिगरेशन है वही हो जाएगी 3D3 4H0। जब हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे T2G और EG में, ठीक है, जैसे D5 होता है उसको जब हम स्प्लिट करते हैं T2G और EG में, ये हो गया अपना T2G, नहीं, ये हो गया EG और ये हो गया T2G। जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, देखो सिमेट्रिकल है, सो इट विल नॉट शो जॉन टेलर इफेक्ट। बाकी की कॉन्फिगरेशन तुम लिख के देखना अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट अल्केन विल बी। अब देखो यहां पे जो है वो ग्रिनार्ड रिएजेंट है और एक अल्कोहल है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन अल्कोहल में, ये हाईली एसिडिक है और ये जो है ये बेस का काम करेगा, तो ये एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को ले जाएंगे और ये अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, अगर तुम्हें इतना पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। AnBr आर टू आइडेंटिकल वेसल्स, ए कंटेंस इतना ग्राम इथेन, टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है। वेसल बी कंटेंस इतना ग्राम ऑफ गैस, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, और आइडेंटिकल वैसे है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। वेपर डेंसिटी पूछा है x2 का, वेपर डेंसिटी का फॉर्मुला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआईटी, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, बस नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दो, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो यहीं पे ये कर रखा है, नंबर ऑफ मोल्स जो है ए के और बी के बराबर करके मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 कर रखा है। सिंपल, बीएफ डिस्टेंस बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम इन। ठीक है, अब तुम्हें यहां पे ये पता होना चाहिए कि एक तुम्हें बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट पता होना चाहिए कि BF3 में बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत छोटी हो जाती है। BF2OH और BF2NH में भी देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ पे फर्क तो आएगा, लेकिन क्या वो इतना होगा कि वो बैक बॉन्डिंग वाले बॉन्ड से भी वो छोटा हो जाए, नहीं। अगर बैक बॉन्डिंग आ रहा है तो मतलब कि वो सबसे छोटा बॉन्ड ही होगा, तो इसका आंसर BF3 हो जाएगा।
स्टेबलाइजर एडिड टू H2O2 इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन थ्योरेटिकली जानबूझ के डालता हूं ताकि तुम थ्योरी पे भी अपनी पकड़ रखो, ठीक है। ये जो जब तुम हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है ग्लिसरॉल इज वन ऑफ द स्टेबलाइजर, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट एक्स, अब ये बताओ तुम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें देखो हाईली इन BrCl में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और बेंजीन में अपने पास इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ठीक है। तो जो डेल्टा पॉजिटिव है वो इसकी तरफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मारेगा, और यहां पे जो बेंजीन है यहां पे एक Br लग जाएगा, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद Cn- आयन, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, ये फिर से एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाला है मैंने कि कैसे सिल्वर की बाद में रिकवरी की जाएगी। ये जब तुम थ्योरी पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो साफ उसमें लिखा हुआ है कि जब हमें सिल्वर की रिकवरी करनी है तो उसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक, ठीक है। तो वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब बात करते हैं बायो की, द बैक्टीरियल डैश इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन डैश, ठीक है। मोनेरा वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये लाइन एनसीईआरटी से यूं क्यों उठा के दे दिया, ठीक है। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर या बिहेवियर, ठीक है, बताओ तुम कमेंट में बताओ मुझे। अगर नहीं पढ़ रहा तो एनसीईआरटी खोलो और उसमें देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द डायग्राम शोइंग पार्ट्स ऑफ एन आई, मार्क द ऑप्शन विद करेक्टली मैचिंग, ठीक है, करेक्ट वाला पूछा है। तो देखो इसने सी की बात की है, सी क्या है, आयरिस, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, यही मेरे को ठीक लग रहा है। आगे अगर ना भी पढ़ें पर फिर भी देख लेते हैं, बी नॉन वैस्कुलर ट्रांसपेरेंट पोर्शन सिलरी बॉडी, डी क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट इन दिस एरिया, ये क्या है, फोबिया, यहाँ पे तो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ई क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे इसमें लिखा है पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कॉन्स, नहीं ये नहीं होगा, ब्लाइंड स्पॉट पे कम होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में सेम डायग्राम दे रखा है और सेम जो है ये सब बातें लिखी हुई है जो मैंने बोली। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स, सिग्मोमैनोमीटर बीपी मेजरमेंट के लिए होता है, स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड सुनने के लिए, ईसीजी वाला जो ईसीजी रिकॉर्डिंग के लिए, तो बचा क्या, स्पायरोमीटर, सेम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला बताना है हमने, तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ है क्या, ठीक है। एनसीईआरटी खोलोगे उसे ध्यान से देखोगे, अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तुम्हें तो पहले तुम्हें अगर क्वेश्चन देख लो, अगर नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी पे जाओ, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो सेम डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए पता चलता है कि जो डायग्राम इस क्वेश्चन से है वो भी आ सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी तैयार रहकर चलना है। जी वन एस जी टू जी नॉट और एम, ये सब उसमें दे रखा था क्वेश्चन में, तो अगर इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर दोगे। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम और मुझे कमेंट्स में इसका भी आंसर बताओ, ठीक है। मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा दिया, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि एस फेज में क्या होता है, जी वन में क्या होता है, जी नॉट में क्या होता है, और उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इन फ्लैसिड सेल इज इक्वल टू, फ्लैसिड सेल क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम में पानी अंदर और बाहर जा रहा होता है उसे बोलते हैं फ्लैसिड सेल, और उस टाइम पे जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, समझाया भी होगा कोचिंग में टीचर ने, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, राइजोम ऑफ जिंजर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बिकॉज, ठीक है, ये टेक्स्ट में भी दे रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में और डायग्राम भी दे रखा है, मुझे अब तक याद है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार फिर से, ये देखो ये जिंजर के बारे में ये डायग्राम दे रखा है और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जिसका पर्पस क्या है, स्टोरेज। अलग अलग पर्पस हो सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के, स्टोरेज हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, प्रोपगेशन हो सकता है, लेकिन जिंजर के जब तक अगर बात कर रहा है तो उसका क्या काम है, स्टोरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्टोर्स फूड मटीरियल। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एड्स, तो देखो कोर ऑफ एचआईवी हैज टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, क्या डीएनए होता है, नहीं आरएनए होता है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी। GP120 किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, CD8 के साथ, नहीं CD4 के साथ करता है, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी, ठीक है, मैक्रोफेज बिकम एचआईवी फैक्ट्री, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दो स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है। ओल्डेस्ट फॉसिल वी सीम टू हैव इवॉल्वड इनटू एप्स एंड मैन वाज दैट ऑफ, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है ह्यूमन इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, पहली लाइन है 15 मिलियन ईयर्स अगो, क्या क्या था वो, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार, ये देखो 15 मिलियन ईयर्स अगो क्या क्या है, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, तो उसके बारे में भी यहां पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब तक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं तुम्हें हाई यील्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इसलिए अगर तुम ये वीडियोस रेगुलरली देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, एनसीईआरटी का एक और बार फिर क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा दिखाऊं एनसीईआरटी से, दिखा देता हूं, ये देखो ये इस लाइन से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन उठाया गया है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ रखी है तो विद इन सेकंड्स ये क्वेश्चन होंगे तुमसे, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी विच साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म, पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, अब उसको उस वैल्यू पर ये खेल रहा है ये क्वेश्चन, 2.5 3.5 4.5 5.5 जो लास्ट वाला चैप्टर है इकोलॉजी में एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला उसमें दे रखा है, जिसका आंसर होगा 2.5, एनसीईआरटी खोल के देखना, ठीक है। तो यार ये थे हमारे आज के 30 questions, 10 from each physics, chemistry, biology. I hope you are enjoying this series
एंड मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं मेरे से जितना हो सके मैं उतने दिन ये कंटिन्यू करूं। मनीषा भी अभी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लाएगी, ठीक है? तो आई होप यू आर लविंग दिस सीरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।